覚悟してろよ。行くぜ。Hey guys, Superpower Battle Explained के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं वो सारे हिंट्स के बारे में जो कि हम स्पाइडरमैन नो वे होम की ट्रेलर में टॉबी एंड एंड्रयू की स्पाइडरमैन को लेकर मिल चुका है। वैसे ये बात तो हम सभी को पता है कि एंड्रयू एंड टॉबी की स्पाइडरमैन इस मूवी में है, लेकिन मार्वल एंड सोनी वाले दिखाएंगे नहीं, और इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो कुछ हिंट्स को ढूंढते हैं, और कुछ हिंट्स मुझे मिल भी चुका है स्पाइडरमैन नो वे होम की ट्रेलर में। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए उन सब हिंट्स के बारे में बात करते हैं। हिंट नंबर वन, तो अगर आप स्पाइडरमैन नो वे होम की ट्रेलर की इस सीन को ध्यान से देखेंगे तो इस सीन में लिजर्ड को हवा में पंच पड़ रहा है। लाइक लिटरली हवा में पंच, मतलब कैसे? पहले तो मैंने सोचा ये काम शायद मिस्टर इंडिया का है, फिर मैंने सोचा नहीं, बात कुछ और ही है, एंड पॉसिबली ये काम टॉबी या फिर एंड्रयू की स्पाइडरमैन का होगा। लेकिन इस सीन में ऊपर की तरफ इलेक्ट्रो भी है, और शायद एंड्रयू की स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो के अगेंस्ट लड़ रहा होगा, और लिजर्ड के अगेंस्ट मे बी टॉबी वाला स्पाइडरमैन हो सकता है। हिंट नंबर टू, तो डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक वगैरह करने के बाद बोलते हैं वी स्टार्टेड गेटिंग सम विजिटर्स फ्रॉम एवरी यूनिवर्स। इसका मतलब बहुत ज्यादा सिंपल है, एंड कुछ ऐसा ही हम ट्रेलर में भी देख चुके हैं कि अदर स्पाइडरमैन यूनिवर्स से विलेंस इस यूनिवर्स में आ चुके हैं, और टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। हिंट नंबर थ्री, तो डॉक्टर ऑक्टोपस एंड टॉम हॉलैंड की बैटल के दौरान जब डॉक्टर ऑक्टोपस टॉम हॉलैंड का चेहरा देखता है तब वो कहता है यू आर नॉट पीटर। अब ये चीज काफी ज्यादा सिंपल एंड ऑब्वियस है, क्योंकि वो एक अलग यूनिवर्स से आया है जहाँ पे टॉबी मैग्वायर वाला स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है। तो ऑफ कोर्स डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस टॉबी मैग्वायर वाले स्पाइडरमैन को ही एक्सपेक्ट कर रहा था, और अगर दूसरे यूनिवर्स से विलेन इस यूनिवर्स में आ सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे यूनिवर्स की स्पाइडरमैन भी इस यूनिवर्स में आएंगे। और इस डायलॉग से एक बात तो कंफर्म है कि दूसरे यूनिवर्सेस की जो स्पाइडरमैन है यानी एंड्रयू एंड टॉबी, वो भी इसी मार्वल मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। हिंट नंबर फोर, तो नो वे होम की ट्रेलर में डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि दे ऑल डाई फाइटिंग स्पाइडरमैन, इट्स देयर फेट, यानी इन सब विलेन्स की डेस्टिनी है स्पाइडरमैन के हाथों मरना। और यहाँ पर अगर हम लिजर्ड एंड सैंडमैन को छोड़ देते हैं तो बाकी की विलेंस अपनी अपनी यूनिवर्स की स्पाइडरमैन के हाथों मर चुके हैं, तो स्पाइडरमैन के हाथों मरना अगर इनकी डेस्टिनी है तो इस मूवी में अदर स्पाइडरमैन यूनिवर्सेस की विलेंस है जैसे कि ग्रीन गॉब्लिन, लिजर्ड, सैंडमैन एंड इलेक्ट्रो, तो उनको हराने के लिए टॉबी एंड एंड्रयू की स्पाइडरमैन को तो आना ही पड़ेगा, वरना इस डायलॉग का कोई मतलब ही नहीं बनता। हिंट नंबर फाइव, तो ट्रेलर की एक सीन में टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन की लवर ऊंचाई से नीचे गिरने लगती है, और इस सीन को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखे तो अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी की गुएन वाला सीन याद आ जाता है, और काफी सारे फैन थ्योरीज, रूमर्स एंड इवन काफी सारे लोगों ने तो क्लेम भी किया है कि यहाँ पर एमजे को एंड्रयू बचाएगा। थोड़ा और डीपली देखे तो एमजे एंड गुएन की गिरने वाला सीन काफी हद तक सिमिलर है, जो कि एंड्रयू को लेकर एक हिंट है। हिंट नंबर सिक्स, तो इस सीन को अगर आप स्लो मोशन में देखेंगे जहाँ पर एमजे नीचे गिर रही है तो साइड में आपको एक हाथ जैसा कुछ दिख जाएगा जो कि मे बी एंड्रयू या फिर टॉबी का होगा। इसका मतलब दूसरे स्पाइडरमैन भी खड़े हुए हैं इस स्कैफोल्डिंग में जो कि प्रोबेबली एमजे को बचा लेंगे। हिंट नंबर सेवन, तो ट्रेलर पे हम कुछ इस तरीके का डायलॉग सुनते हैं कि पीटर यू आर स्ट्रगलिंग, डैम एवरीथिंग यू वांट, तो इसका मतलब थोड़ा डीप हो सकता है, यानी टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन इनको अकेला रोक नहीं पा रहा होगा, और ट्रेलर में टॉम खुद कहता है कि इट्स ऑल माय फॉल्ट, आई कैन सेव एवरीवन। और अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि टॉम थका हुआ, डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड एंड डेस्परेटेड है, जिससे एक बात तो कंफर्म है कि वो अकेला इतने सारे विलेंस को रोक नहीं पाएगा, और ओवरऑल देखे तो टॉम को हेल्प करने के लिए टॉबी एंड एंड्रयू को यहाँ पर आना ही होगा, और ये भी एक तरीके से हिंट ही है। इसके बाद एक और सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि दे आर स्टार्टिंग कम थ्रो एंड आई कांट स्टॉप देम, तो ये वाला डायलॉग आई रियली डोंट थिंक कि एंड्रयू एंड टॉबी को लेकर कोई हिंट है, क्योंकि एमजे जब नीचे गिर रही थी तब वो जो स्कैफोल्डिंग है एंड वहां पर हमें हाथ जैसे कुछ दिख चुके हैं जो कि मे बी एंड्रयू या फिर टॉबी का होगा। इसका मतलब स्कैफोल्डिंग टूटने की पहले ही एंड्रयू गारफील्ड एंड टॉबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स में आ चुके हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज की इस डायलॉग को हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड आई थिंक ये वाला डायलॉग डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को लेकर एक मैसेज हो सकता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मुझसे अगर कोई भी पॉइंट या फिर हिंट मिस हो गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, और इन सभी हिंट्स को लेकर आपका ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन पे बता देना। वैसे कैसे तो टॉबी एंड एंड्रयू की स्पाइडरमैन को लेकर कुछ हिंट्स थे जो कि सच हो भी सकता है, लेकिन फिर भी मूवी रिलीज होने से पहले कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपनी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे
नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, क्योंकि आप लोगों की लाइक कमेंट सब्सक्रिप्शन एंड सपोर्ट की वजह से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।